आज हम आपके लिए लाए हैं 3 BHK का फ्लैट जो पैसिफिक मॉल से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वो फ्लैट लग्जरी फ्लैट है ये, अभी हम आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बात बताना चाहूँगा, इसमें लोन भी मिल सकता है। अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो इसमें आपको लोन भी मिलेगा। आपको लोन हमारी हर प्रॉपर्टी में मिलता है और इसमें भी है। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी पार्किंग। पार्किंग में आके आपको दिखाते हैं कि इतनी बढ़िया पार्किंग बनाई हुई है। डिजाइन आप कर रहे डिजाइनिंग है पूरी पार्किंग में। देखिए इसके अंदर पूरा टेक्सचर पेंट किया हुआ है हमने। ये देख रहे हैं लाइट्स दी हुई है, छोटी छोटी लाइट्स हैं यहाँ पर। हमारे ये MCB लगी हुई है, MCB है यहाँ पे। देते जो नीचे भी MCB इसकी होती है, ऊपर भी अलग से देते हैं। ये देखिए पाइप कैसे वायर से आ रही है, यानी अलग अलग फैली पड़ी वायर पाइप के अंदर से वायर हमारी जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं पार्किंग में स्पेस। देखिए स्पेस की बात करते हैं, पार्किंग स्पेस दिखाते हैं आपको। ये देखिए 2 कार्स खड़ी हुई है, उसके बाद स्पेस देखें तो 3 कार्स और आ सकती है। उसमें अब हम दिखाएंगे ये हमारी स्पेस आ गई। स्पेस के साथ हमने SS की रेलिंग दी रखी है और इसके साथ ही देखिए हमारी टाइल्स का काम है पूरा। और टाइल्स के साथ सेंटर हमने लिफ्ट लूंगा। ये देखिए लिफ्ट दिखाते हैं, इतनी बढ़िया गोल्ड क्लास की लिफ्ट है, फाइन कंपनी की लिफ्ट है। ये देखिए फाइन एग्रीवेटर्स की है, पूरी MRI लिफ्ट है। कोई रूम नहीं होता इसमें, नीचे सारी मशीनरी होती है और इसमें हमने फैन दिया हुआ। सीलिंग की बात करें इसकी, सीलिंग में देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन है इसमें। हम वो आपको ऊपर लेके चलते हैं अपने फ्लोर में, आपको अपना फ्लोर दिखाएंगे। हम अपने फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, अब हम आपको दिखाते हैं अपने फ्लोर का लॉक। पहले तो जो गेट डोर लगा हुआ हमारा उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। ये देखिए पासवर्ड वाला लॉक है, पासवर्ड पैटर्न। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया लग्जरी फ्लोर बना हुआ है। और एंट्री करते ही हमारी लॉबी है, लॉबी से हम जाएंगे और पहले तो ड्राइंग रूम दिखाएंगे आपको, उसके बाद लॉबी भी दिखाएंगे आपको हम। और आगे हम ये देखिए ड्राइंग रूम में, ये हमारा ड्राइंग रूम का स्पेस देखिए। आपने सोफा सेट लगाना तो यू में आप सोफा सेट लगा सकते हैं इसमें, देख रहे हैं आप। और इसकी टाइल्स की बात करें तो देखिए इटालियन लुक टाइल्स है ये, कितनी बढ़िया टाइल है। 32x64 साइज की देख रहे हैं। ये देखिए हम बात करें तो इसकी सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग में देखिए कितने बढ़िया डिजाइन से बनाई हुई है। और सीलिंग के अंदर देखिए टॉप लाइट्स दे रखी है हमने यहाँ में, देख रहे हैं आप। सीलिंग के अंदर पूरी टॉप लाइट है, सेंटर में हमने झूमर लगाया हुआ है, साइड पे हमने फैंस लगा रखे हैं। और फैंस के इधर आगे आ जाए तो हमने इसके नीचे ही आपका LED पैनल भी दिया हुआ है। ये देख रहे हैं इतना बड़ा ड्राइंग रूम में LED पैनल है। यहाँ आपका सेटअप बॉक्स आपके लिए और उनके आइटम्स भी रख सकते हैं आप। नीचे देखिए ड्रॉर बने बड़े हैं, ये देखिए इधर पूरे ड्रॉर्स हैं यहाँ। अब हम बात करते हैं रूम की, पूरे रूम में आ जाए तो हम दिखाएंगे आपको। इस वॉल पे हमने AC की फिटिंग भी हमने यहाँ दी हुई है। AC की फिटिंग के साथ साथ हमने स्विच भी यहाँ दिए हुए हैं AC के। देखिए ये ऑन ऑफ किया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, देख रहे हैं हम कितने बढ़िया डिजाइन के साथ हमारा ये है। और यहाँ के हम स्विच दिखाएं तो आपको गोल्ड मेडल की स्विच है सारे। ये देखिए पूरे गोल्ड मेडल की स्विच है, कितने बढ़िया स्विच है। फैन चल रहा है, इसे रेगुलेटर भी हमने लगाया हुआ है। ड्राइंग रूम से अपने फर्स्ट बेडरूम में, ये फर्स्ट बेडरूम की हमारी लॉबी है। लॉबी के में भी देखिए कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग हमने की हुई है। ऊपर देखे ना फॉल सीलिंग में लाइट्स दे रखी हैं, एप्पल्स की लाइट्स हैं। अंदर टॉप लाइट दे रखी है हमने, यानी कि ड्राइंग रूम में टॉप लाइट है, हमने लॉबी में भी दे रखी है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया। फर्स्ट बेडरूम में देखिए स्पेस और डिजाइन की बात करेंगे तो हम पहले तो डिजाइन के हिसाब से बात करते हैं तो हम ऊपर फॉल सीलिंग की बात करेंगे। ये देखिए पूरी फॉल सीलिंग है, सेंटर में डिजाइन देखिए प्लस मैंने जैसे बताते हैं ब्राउन कलर में। और उसके नीचे ही हमने देखिए फॉल सीलिंग में पूरा एल में नीचे तक आ रही डिजाइन की, बीच में आपका बेड आ गया, साइड पे आपकी सीलिंग आ गई फॉल सीलिंग, और बेड आगे बैठ के ऊपर ही हमने AC की फिटिंग दे रखी है स्प्लिट AC की। अब हम इसमें दिखाते हैं आपको जो हमारी वार्डरोब है।
ये देखो हमारी वार्ड रूम, ये देखिए पूरी वार्ड रूम है हमारी, माइक का अंदर भी लगा हुआ, टोटल सॉफ्ट फ्लोर लगा है। ये हमारे भाई का बैग भी पड़ा है इसमें, ये भी दिखा देंगे हम। इसमें देखिए लॉकर बनाया हुआ हमने, ये लॉकर है हमारा, इसके नीचे ही हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए पहले सॉफ्ट फ्लोर है, इसके नीचे ही हम दिखाते हैं आपको शू रैक, ये देख रहे हैं शू रैक पूरा। और सबसे बड़ी बात है हमने वार्ड रूम जो बनाई हुई है नीचे से स्टार्टिंग के ऊपर करके बनाई हुई है कि नीचे सफाई भी हो सके। ये देखिए नीचे पूरा झाड़ू पोछा लग सकता है। अब हम आपको इसके साथ ही दिखाते हैं एलईडी पैनल जो है बना हुआ हमारा, जो देख रहे हैं एलईडी पैनल हम लगा के दे रहे हैं आपको। ये इसमें भी हमने ये जोड़ दिया हुआ है एलईडी पैनल में, यहाँ पर आपका सेटअप बॉक्स आ जाएगा। ये हमने केबल की वायर दी हुई है, आप केबल लगा सकते हैं, आप टाटा स्काई लगा सकते हैं, डिश टीवी वगैरह जो आप यूज करना चाहो लगा सकते हैं। और हम दिखाते हैं हम एलईडी पैनल के नीचे आ जाते हैं, तो हमारे ये फ्लोरिंग पे है जो वुडन लुक टाइल्स हैं, ये देख रहे हैं वुडन, आपको दिखा देते हैं एक बार। ये हमारी वुड है, आवाज आई आपको, ये हमारा ये वुड, ये वुडन लुक टाइल्स, इससे आपको पता लगेगा कि हमने वुडन लुक टाइल्स लगा रखी। बेडरूम से बाहर आके हम दिखाते हैं आपको अपना कॉमन वॉशरूम। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कॉमन वॉशरूम के बाहर हमने ये आपको वॉश मशीन की फिटिंग दे रखी है, देख रहे हैं आप, ये वॉश मशीन की आप फिटिंग दी हुई है। आप वॉश मशीन लगवाना चाहें तो आप यहाँ लगवा सकते हैं, हमने टाइल्स भी लगाई हुई है यहाँ पर। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा कॉमन वॉशरूम, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में आके देखेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइल्स की, जो सबसे बढ़िया होनी चाहिए और सबसे अच्छी डिजाइन की टाइल्स है। देख रहे हैं ब्राउन कलर में 2x4 की टाइल लगा रखी है हमने, और बीच में डिजाइन देखिए ये ऊपर करके ये नीचे करके जैसे कि प्लस माइनस हम बताते हैं हमें, ये देख रहे हैं आप। और फिटिंग की बात करें तो टोटल फिटिंग हमारी हेमवेयर की होती है, देखिए आप। और वेंटिलेशन की इसमें अब बात करते हैं, बाकी सब कुछ आपको बाहर दिखाएंगे। सबसे बढ़िया वेंटिलेशन जो है वो दिखाते हैं आपको, ये हमारा वेंटिलेशन है एग्जॉस्ट फैन, सीधा बालकनी में से बाहर जा रहा है, देख रहे हैं आप। ये हम बात करते हैं हम फिटिंग्स की, ये देखिए हमारे गीजर के पॉइंट्स दे रखे हैं, इनपुट आउटपुट हिंजवेयर की फिटिंग है, इसके साथ ही हमने सॉकेट दे रखा है इसका। अब इससे ऊपर की पहले हम यहीं की बात करेंगे सीलिंग की, देखिए ऊपर फॉल सीलिंग है पूरी, देख रहे हैं फॉल सीलिंग के बीच में सेंटर में हमने क्रोमटन का फैन दिया हुआ है, साइड पे फॉल सीलिंग के लाइट्स दे रखी है, हैवेल्स के बीच में कॉफ लाइट दे रखी है। अब हम आपको दिखाएंगे सीट, हमारी सीट जो है ओसिस कंपनी की है, देख रहे हैं आप, पूरी सीट है ओसिस कंपनी की फिटिंग है, सीट हिंजवेयर की, ये इसके ऊपर ये भी 9 इंची की दीवार है, वॉल्स है, देखिए 9 इंची की है। इसके साथ ही हमने बना दिया वॉश मशीन, साथ में वैनिटी बनाई हुई है, देखिए वैनिटी अंदर भी आप स्पेस है सामान रख सकते हैं। और ये देखिए हमारा ग्लास लगा हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा वॉशरूम है। अब हम आपको यहाँ से दिखाएंगे अपना सेकंड बेडरूम, आइए सेकंड बेडरूम में चलते हैं हम। ये हमारा सेकंड बेडरूम आ गया है। अब सेकंड बेडरूम में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको इसकी फॉल सीलिंग, ऊपर देखिए फॉल सीलिंग दिखाते हैं हम आपको, कितने बढ़िया डिजाइन के साथ फॉल सीलिंग है। ये देखिए डिजाइन देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया डिजाइन है, और सारी लाइट सीलिंग लाइट है इसमें, सेंटर में फैन दे दिया, फैन का डिजाइन देखिए कितना बढ़िया डिजाइन लग रहा है फैन भी। और कलर कॉम्बिनेशन देखिए तो नीचे वुडन लुक है तो हमने ऊपर भी ब्राउन कलर दिया हुआ है,
जो सीलिंग में हमने कलर किया है ब्राउन कलर है, बाकी कॉम्बिनेशन सेम है, व्हाइट ब्राउन, व्हाइट ब्राउन। पूरे बेडरूम में आप देखेंगे व्हाइट ब्राउन का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। अब हम आपको इसकी दिखाएंगे, पहले जो सबसे बेडरूम में पहले देखी जाती है वार्डरोब, वो दिखाते हैं आपको। देखिए इसके रूम में वार्डरोब है, अंदर बाहर सब माइका है, टोटल सॉफ्ट क्लोजर है। इसमें लॉकर के लिए ड्रॉर दिया हुआ हमने, ये देखिए इसकी की है, आप लॉकर भी यूज कर सकते हैं, इसको हाफ भी करा सकते हैं। इसके नीचे ही हमने आपको दिया हुआ है शू रैक, ये पूरा शू रैक बनाया हुआ है और पूरी वार्डरोब फिक्स है हमारी। और इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे व्हाइट ब्राउन। अब नीचे की बात करें तो हमारी मॉडर्न लुक टाइल्स है, अभी आपको मैंने दिखाई है सेकंड बेडरूम में, आवाज भी सुनाइए आपको। आपको दिखाते हैं एलईडी पैनल, हमारा फेवरेट एलईडी पैनल है, फेवरेट डिजाइन का एलईडी पैनल है, हमने कई मकान में लगाया, कई फ्लोरों में लगाया ये एलईडी पैनल। ये देखिए एलईडी पैनल है पूरा, ऊपर भी डेकोर के आइटम्स रख सकते हैं आप, बीच में एलईडी लग गया आपका, ये पॉइंट लग गया सेटअप हाउस या डिश डाली है उसका पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर डेकोर की आइटम्स रख सकते हैं। नीचे देखेंगे ड्रॉअर बनाया हुआ है, रिमोट वगैरह कुछ भी जो आपके यूज में आए ड्रॉअर वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने दे रखा है ड्रेसिंग, ये देखिए ये हमारा ड्रेसिंग है, पूरा ग्लास लगा हुआ है, अंदर भी सेपरेट लगी हुई है। अब हम आपको लेके चलेंगे हमारे सेकंड बेडरूम की बालकनी में, और उसके पहले हम आपको दिखाएंगे जो हर बार दिखाते हैं हम, इसका जो पीवीसी का डोर का टफन ग्लास साउंड प्रूफ ग्लास है, ये देखिए आपको हम दिखाएंगे साउंड प्रूफ ग्लास है। आवाज देख रहे हो, आवाज देख रहे हैं आप कितनी आवाज आ रही है, अब हम बंद करेंगे तो आवाज सारी बंद हो जाएगी। ये देखिए अब हम लेके चलते हैं आपको बालकनी में, आइए ये हमारी बालकनी आ गई, बाहर आते ही आप साउंड की बात करें तो साउंड आ गया होगा, पूरा ट्रैफिक आ गया होगा, और बाहर ही हमने देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन से सीलिंग की हुई है इसके ऊपर, देख रहे हैं आप सीलिंग, सीलिंग में लाइट्स दी हुई हैं, सेंटर में फैन दिया हुआ है, और इधर हमने वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है जो हमने इस साइड दिया हुआ है, ये देखिए वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है, अंदर भी हमने पूरी टाइल्स टाइल्स लगाई हुई है। इसके साथ ही हम दिखाते हैं जो वॉशरूम हमने दिखाता है वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन आपको, ये हमारा वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ हमने। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की डोर गली, ये देखिए हमारे यहाँ की व्यू, देखिए यहाँ का ये स्ट्रीट व्यू है हमारी 25 फीट की है। इसके साथ ही जहाँ दिखाना आप चलेंगे तो आप मेन रोड है जहाँ से बस ट्रैवल लिंक ऑटो कैब्स आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। चलते हैं वापसी सेकंड बेडरूम में, हम सेकंड बेडरूम से अब आप लेकर चलेंगे लॉबी में। ये हमारी लॉबी है जो हमने पहले भी दिखाई थी, सीलिंग भी दिखाई थी इसकी। इसके साथ ही हम यहाँ आ गए अपने ड्राइंग रूम में, अब ड्राइंग रूम से आप लेकर चलेंगे जो हमारी एंट्री की लॉबी थी, आपको हमने दिखाई नहीं थी, आपको कहा था बाद में दिखाएंगे, अब आपको उसकी सीलिंग दिखाएंगे सबसे पहले। ये देखिए ऊपर फॉल सीलिंग है, साइड पे फॉल सीलिंग है, ये हमारा एंट्री गेट है, एंट्री डोर है, ये देख रहे हैं सीलिंग। इसके साथ ही हमने ये देखिए इंटरकॉम लगा रखा है, डोर बेल लगा रखी है, और कैमरे के साथ ये कैमरा बंद हो गया, ये कैमरा हो गया ऑफ विजन की, देख रहे हैं आप। अब हम आपको इसकी दिखाएंगे जो सबसे जरूरत, और हर घर में चाहे 25 गज का फ्लोर हो चाहे 300 गज का फ्लोर हो उसमें होनी होनी है जो है किचन। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी किचन, किचन की बात करें तो पूरी इनोटेक किचन होती है हमारी। आपको पहले हम किचन के ड्रॉर्स दिखाएंगे, उसके स्टोरेज दिखाएंगे कितनी स्टोरेज है उसमें, ये देखिए फर्स्ट ड्रॉर जो हमारे हमेशा हॉब के नीचे होता है, कंडरी लगी हुई होती है, उसके नीचे आप देखेंगे तो
और भी ड्रॉर्स हैं हमारे इनर टैग का, पूरी कलर ही आप लोग आना चाहें तो आप खुद लगवा सकते हैं इसमें। टोटल सॉफ्ट क्लोजर है, देख रहे हैं आप, ये टोटल सॉफ्ट क्लोजर आपको ड्रॉर्स इसलिए हम सारे दिखाते हैं कि आपको दिखे कि स्टोरेज हमारी किचन की कितनी है। ये देखिए पूरे ड्रॉर्स दिखाएंगे आपको, पूरे इनोटेक है टोटल, यानी कि हमने सेंटर के इनोटेक कर दिए, साइड के नहीं, सारे ही इनोटेक होती है हमारी किचन। और पूरी मार्बल की किचन होती है आपको, वो भी दिखाएंगे हम। ये देखिए ये पूरी मार्बल की किचन है, पीछे टाइल्स होती हैं, साइड में मार्बल्स होता है। इसके ऊपर की बात करें तो हॉब, ये हमने फिक्स हॉब कर रखी है, इसके ऊपर ही हमने चिमनी दे रखी है आपको, सेंसर वाली चिमनी है। ये देखिए ये ऑन होगी चिमनी, अब आपको हम ऑफ करके भी दिखाएंगे चिमनी। ये देखिए हमने ऑफ कर दी चिमनी, ये हमने ऑफ कर दी चिमनी। ये देखिए हमने यहाँ पर माइक्रोवेव की जगह बना रखी है, यहाँ माइक्रोवेव आप रख सकते हैं, इसके ऊपर ही हमने ड्रॉर्स दिए हुए हैं और एडजस्टेबल ड्रॉर्स हैं ये। ये देखिए इसके साथ ही हमने आर ओ की आपको एक और ड्रॉर दिए, आप ग्लास रखते हैं बीच में, सेल्फ चाहे सेल्फ डाल सकते हैं, आर ओ लगाना चाहे आर ओ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब ये आ गया हम किचन के डबल सिंक पे, ये हमने दिया हुआ है फ्रूट्स वगैरह आपने वॉश करने हो, सब्जी वगैरह धोनी हो तो आप इस पर रख के वॉश कर सकते हैं। और ये भी एडजस्टेबल है हमारी टैब भी, ये देख रहे हैं। और ये मनारा आर ओ का पॉइंट है, ये देखिए पानी की वाटर सप्लाई की बात करें यहाँ पर हम, तो 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, जब आपका मोटर चलाने मन करे चला के आपके यहाँ पानी आएगा। और कॉर्पोरेशन के पानी की बात करते हैं हम हर बार, अब हम आपको दिखाते हैं इसका वेंटिलेशन। ये देखिए किचन में वेंटिलेशन हमने दिया सीधा बाहर, देख रहे हैं सीधा विंडो बाहर बालकनी में जा रही है, अभी बालकनी में जाके आपको दिखाएंगे, यही विंडो है ध्यान से देखना। अब हम दिखाते हैं हमारा फ्रिज की जगह, यहाँ पर हम फ्रिज रख सकते हैं। ये देखिए पूरी टाइल्स लगा रखी है, ऊपर भी हमने स्पेस दिया हुआ है जो आप यूज कर सकते हैं, नीचे ये हमारा फ्रिज आ जाएगा। आपको लेके चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में, थर्ड बेडरूम में। अब थर्ड बेडरूम में आपके देखिए तो सीलिंग देखिए आपको, मैं हमने दोनों बेडरूम ड्राइंग रूम की सीलिंग दिखाई है, इसकी भी सीलिंग देखिए बिल्कुल अलग डिजाइन है, हर रूम का डिजाइन अलग है सीलिंग का, ये नहीं एक ही डिजाइन हमने पसंद किया उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ये डिजाइन आपने हमारे किसी फ्लोर पे नहीं देखा होगा। ये देख रहे हैं आप डिजाइन ऊपर सीलिंग कितनी बढ़िया, सीलिंग है सीलिंग लाइट देखिए कितनी बढ़िया, यहाँ पर ये देखिए एल बना दिया बीच में, स्क्वेयर बना दिया, कितना बढ़िया लग रहा है आपको। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें सेंटर में फैन आ गया, दिखाते हैं हम इसमें नीचे वुडन रूफ टाइल्स, इसमें भी हमने व्हाइट ब्राउन का कॉम्बिनेशन ले रखा है पूरे रूम में, हमें व्हाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए हमारा फेवरेट है। ये देखिए हमारे नीचे वुडन रूफ टाइल्स है, इसके साथ ही हम दिखाते हैं हम आपको अपनी वार्डरूम्स, ये देखिए दरवाजा बंद किया ये हमारी वार्डरूम आ गई, वार्डरूम का स्पेस देखिए इसमें इतना बढ़िया स्पेस, ऊपर नीचे बीच में लॉकर दे दिया, उसके नीचे ये शू रैक दे दिया, ठीक है एक तो ये होगी डबल बनी, इसके साथ सिंगल जैसे बच्चों के लिए चाहिए हो तो बच्चों के लिए वार्डरूम हमने साइड पर अलग से दी हुई है कि एक कपल वन छोटी फैमिली चाइल्ड कपल के लिए ये वार्डरूम हमने बनाई हुई है। इसके साथ ही हम दिखाते हैं हमारा LED पैनल आ गया, ये हमारा LED पैनल है पूरा, नीचे ड्रॉर दे दिया, इस पर आप डेकोर के आइटम्स रख सकते हैं, ऊपर भी ये पूरा ड्रेसिंग आ गया, देखिए अंदर की साइड सारी इसकी सारी। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें जो हमने इस रूम में AC की स्प्लिट की फिटिंग दी हुई है, ये देखिए इसमें भी हमने स्प्लिट की फिटिंग अंडरग्राउंड की हुई है। अब हम दिखाएंगे आपको अटैच वॉशरूम, अभी तक आप सोच रहे हैं अटैच वॉशरूम नहीं दिखाया, इसलिए अब हम दिखाएंगे आपको अटैच वॉशरूम।
और वॉशरूम में देखिए तो पूरी वुडन लुक टाइल्स है नीचे, ऊपर देखिए तो ये क्रीम कलर में ब्राउन और क्रीम लाइट ब्राउन का कलर है, मल्टी कलर्स आते हैं इसमें की कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ही हम दिखाएंगे आपको फिटिंग्स। पहले हम इस बार शुरू करेंगे गीजर की फिटिंग से। ये हमारे इनपुट आउटपुट है गीजर के, हैंडवेयर के चॉकेट और स्विच दिया हुआ हमने गोल्ड मेडल का। इसके साथ ही हमने डिवाइडर दिया हुआ है हैंडवेयर का, नीचे भी दे दिया। ये देखिए पानी अब भी आ रहा होगा इसमें क्योंकि 24 आवर्स सप्लाई है इसमें। ये शावर आ गया हमारा, हैंडवेयर का शावर है। इसके साथ ही वेंटिलेशन की बात करें तो सीधा वेंटिलेशन इसका बालकनी में है, जैसे हमने फर्स्ट बालकनी में आपको दिखाया था वेंटिलेशन, इसमें भी बाहर बालकनी में जाके हम वेंटिलेशन आपको दिखाएंगे। ये हमारी सीट आ गई, ऑफिस की फिटिंग है, हैंडवेयर की सीट है हमारी। इसके ऊपर आप स्पेस दिया हुआ, आप फ्लावर पॉट रखें, अपने वॉशरूम का सामान रखें, जैसे आप यूज में लेना चाहे ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कितना छोटा स्लिक से हमने वॉश बेसिन लगा दिया। वो वॉश बेसिन बेशक स्लिक से छोटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके ऊपर फिटिंग हैंडवेयर की कराई है हमने, ये नहीं हमने लोकल करा दी, कोई बात नहीं, हैंडवेयर है तो हम हैंडवेयर ही कराते हैं। और ये ग्लास हो गया हम देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ से बाहर आगे। ये हमारी बालकनी का डोर है जो हमने, जो हमारा लॉक है, इसकी की आज हमें मिल नहीं रही थी, इसलिए बालकनी आपको इसकी हम दिखा नहीं पाएंगे यहाँ से, नहीं तो हम आपको जरूर बालकनी भी दिखाते, स्पेस दिखाते, वॉशिंग एरिया दिखाते इसका। यहाँ से हम जितना होगा उतना हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि कईयों ने हमारे बेल को आइकॉन को प्रेस नहीं किया हुआ, नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाते ही और हमारी वीडियोस नहीं देख पा रहे। हमारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज बेल के आइकॉन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन लें। थैंक्स फ्रॉम सुमित पॉडकास्ट।